आस्क HMH, हम हैशटैग एक चलाते हैं, उस पर लोग हमसे सवाल पूछते हैं एक्स पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे। कुछ सवाल हमने शॉर्टलिस्ट किए, आइए देखते हैं। वाई हसन अली नॉट पिक्ड इन द वर्ल्ड कप स्क्वाड, इनको अभी भी लगता है कि उनको पिक करना चाहिए था। इमाम आपसे स्टार्ट करेंगे, कोई होम्योपैथिक जवाब दे। देखिए हसू काफ़ी अरसे से जो है हमारे जो T20 के स्क्वाड में वो इतना ज़्यादा ऑन एंड ऑफ खेलता रहा, उसकी वाली परफॉर्मेंसेज नहीं आई जो आनी चाहिए थी इस वजह से। और मेरे ख्याल से अभी भी जब वो आया था तो वो हारिस का बैकअप एज अ बैकअप प्लेयर, क्योंकि वो काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे तो वहाँ से एज अ बैकअप अगर हारिस का, तो मेरे ख्याल से उनकी अभी जो हमारा खासतौर पर मोहम्मद आमिर आने के बाद जो हमारा इस वक्त फास्ट बॉलिंग का जो मेरी पेस बैटरी बन चुकी है, तो मुझे उसमें लगता है कि हसू को बहुत मुश्किल से जगह बनानी पड़ेगी, इसलिए मुझे ऐसा लगता है। अहमद भाई आपसे एक दिलचस्प सवाल पूछूंगा। एक होता है कि प्लेयर जो होता है वो आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है, ये सबके साथ हो सकता है, आप तीनों के साथ हुआ होगा कभी ना कभी। हसन अली ने परफॉर्मेंस दी हुई है, मैंने देखी हुई है ना, चैंपियंस ट्रॉफी में परफॉर्मेंस है, टेस्ट मैचेस में परफॉर्मेंस है, आपको क्या लगता है ये उनका बैड पैच चल रहा है या हिज प्राइम इज ओवर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए हसन अली ने चैंपियंस ट्रॉफी जो हम जीते थे उसमें बड़ी तगड़ी बॉलिंग की जी जी, लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे पाकिस्तान के पास इस तरह की फास्ट बॉलिंग अटैक आ गया हुआ है, जहाँ पे आपको, अगर मैं हसन अली होता तो मुझे इम्प्रूव करना था, मुझे ऊपर की तरफ जाना था, तो जहाँ आपकी परफॉर्मेंसेज डिक्लाइन की तरफ आ जाती हैं तो फिर ऐसी टीम के अंदर जगह बनाना जहाँ पर नसीम शाह, हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद आमिर जैसे बॉलर ऑलरेडी टीम के अंदर हों, आपको परफॉर्मेंसेज करनी है, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी है। ये सारी चीज़ें तब काउंट होंगी, रिदम तब वापस आएगा, पेस तब यू नो वापस आएगी जब आप लंबे लंबे स्पेल करेंगे, पुराने बॉल से स्पेल करेंगे। तो अनफॉर्चुनेटली हमें देखने में नहीं मिला कि ना सिर्फ हसन अली, बहुत सारे प्लेयर डोमेस्टिक क्रिकेट जो है उसको मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से जो रिदम होता है वो नीचे चला जाता है, फॉर्म है वो बहाल नहीं हो पाती। और इस दफ़ा जब ये आए थे इन पर क्रिटिसिज्म इस चीज़ का था, इनकी फॉर्म का क्रिटिसिज्म नहीं था, इन पे ये था कि ये डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेले, इनकी कोई परफॉर्मेंसेज नहीं थी जिस पे इनको सिलेक्ट किया गया। ऑन दी अदर एंड अगर आप मोहम्मद अली देखें डोमेस्टिक में बैठे हैं परफॉर्मेंस कर रहे हैं, शाहनवाज धानी देखें उन्होंने परफॉर्मेंस की हुई है, तो वो लोग जो डोमेस्टिक में खेल रहे हैं आपने उनको जो है ना ओब्लाइज करना है और लेके आना है, ताकि एक जो सिस्टम है वो सिंक्रोनाइज रहे। जब आप सिस्टम के बाहर से प्लेयर ला के खिलाते हैं तो वो जो 1,500-2,000 बच्चा आपका डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंसेस कर रहा है उनका दिल उठ जाता है, उनको लगता है कि कोई इंसाफ नहीं है। तो यहाँ थोड़ी सी गलती कर गए हमारे सिलेक्टर जो हैं, ये चीज़ है, यही चीज़। अदरवाइज हसन अली की जो परफॉर्मेंसेज हैं, जो खिदमात हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता, समझ रहे हो ना? वेरी गुड। हाँ जी, अगला सवाल। सलाम, वालेकुम सलाम, आई एम फ्रॉम मुंबई। अहमद शहजाद आपको कोहली से मिलाते थे पहले, क्या आपको भी लगता है ऐसा? जो रिजेम्बलेंस थी इट वॉज देयर, लेकिन उसके बाद अगर आप कोहली को देखेंगे तो कुछ चीज़ें उन्होंने की है, उनकी फिटनेस बड़ी तगड़ी हुई, तो उसका उनका बिल्कुल जो चेहरा है वो बदल गया। हाँ, उसके बाद जॉ लाइन, हाँ जॉ लाइन उनकी क्लियर हो गई। मैं भी पहले थोड़ा सा चबी था, जब उनकी जॉ लाइन क्लियर हुई है तो वो रिजेम्बलेंस थोड़ी सी खत्म हुई है। लेकिन जहाँ तक आप प्लेयरी की बात करेंगे, मेरा ख्याल है इस जनरेशन का सबसे बड़ा प्लेयर है, ना सिर्फ वो एक बड़ा प्लेयर है, एक रोल मॉडल है, ऐसा प्लेयर है कि जिसने धड़ल्ले के साथ क्रिकेट खेली है, और ऐसे प्लेयर की बहुत दुश्मनी भी हो जाती है, सब लोग एमी क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं। टू बी एबल टू, अहमद शहजाद की बात कर रहे हैं, नहीं नहीं विराट कोहली, टू बी एबल टू बी देयर 70-71 सेंचुरीज करना, ना सिर्फ सेंचुरीज करना, वो मैचेस में जितवाना के जहां पे डाउन एंड अबाउट हो गया हुआ था इंडिया, मैच विनर है इंडिया के हिंदुस्तान के लिए, और हमें उनको प्रेस करना चाहिए। जहां जहां क्रिकेट देखी और खेली जाती है वहां सब मानते हैं विराट कोहली एक अजीम बैट्समैन है, विराट कोहली के लिए। अगला इमरान नजीर, आप इमरान भाई आप नहीं मानते, ये आप नहीं मानते? क्यों नहीं मैं मानता, मानते हो ना आप? बेस्ट प्लेयर है इस टाइम पे, और कौन नहीं मानेगा। इमाम आपकी बातचीत कभी हुई कोहली से? जी काफ़ी दफ़ा हमारा इंटरेक्शन हुआ है, 2019 के वर्ल्ड कप में हुआ, फिर एशिया कप में अभी हुआ, अभी वर्ल्ड कप में हुआ। तो बट अब इस वाला जो वर्ल्ड कप जो मैंने अभी इंडिया में हमने खेला उसमें मैंने बिल्कुल डिफरेंट विराट कोहली, तो जो उनका एग्रेशन है और जो उनका बॉन अगेन विराट कोहली, वो बिल्कुल बिल्कुल चेंज हो गया, मुझे बहुत ठंडे विराट कोहली वाले लगे बिल्कुल इस वर्ल्ड कप में। और हमेशा जब भी पाकिस्तान से खेलते हैं तो एक बहुत ज़्यादा फ्रेंडली, बल्कि उन पर इस दफ़ा क्रिटिसिज्म कुछ हुआ कि कुछ ज़्यादा ही वो फ्रेंडली थे पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ। बट मेरे ख्याल से जो अहमद भाई ने बात की, मैं इन बात को सेकंड करता हूँ कि जब भी जहाँ जहाँ भी क्रिकेट देखी जाती है और जहां जहां खेली जाती है वहां पे विराट कोहली का जरूर जिक्र होता है, और उनकी परफॉर्मेंसेज ऐसी हैं कि वो बोलना चाहिए। तो हम बहुत सारे प्लेयर्स को कभी कहते थे अहमद शहजाद जो है ना मिलाते थे, कभी आप बाबर आजम को भी इवन मिलाते हैं, और भी बहुत सारे आप इसको मुआवजने करते हैं। जो इनको हम सबसे अलग कर देता है वो है जो अपनी टीम को इन्होंने मैचेस जितवाए सिंगल हैंडेडली,
ना वो हम कर सके ना ही कोई और जिनसे आप मिला सही बात कर सके। ये तो मैच विनर तो है। अगला दिखाई मुहित राजा लिखते T20 वर्ल्ड कप जीतने के लिए क्या करना होगा क्योंकि इससे बेहतर टीम कभी हो ही नहीं सकती है। वो समझते हैं कि सबसे स्ट्रॉन्ग टीम भेजी है हमने जीतने के लिए और क्या करना होगा इमरान क्या वजीफा है कोई आपके पास? मेरा ख्याल है कि चक्के जो कहीं मारने पड़ेंगे जो सारी दुनिया कर रही है वो भी हमारी टीम को भी वैसा ही खेलना पड़ेगा। उसकी वजह है कि आप मॉडर्न क्रिकेट में आप 6 ओवर जब अच्छा नहीं खेलेंगे उसके बाद तो फिर मिडल में तो फिर प्रेशर वही कि आप 5 ओवरों में 60 रन रह गए 70 रन रह गए आते ही तो कभी मिडल ऑर्डर में कभी हिटें नहीं लगेंगी। शुरू में तेज खेलना बड़े ताबिश भाई लाइक ये किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं है लोग बड़ी बातें कर रहे हैं फीस अभी लग है हाँ। तो एक एक 6 ओवर की क्रिकेट होती है ठीक है आपने वो सर्कल में है जिसमें सिर्फ 2 प्लेयर्स बाहर है सारी दुनिया उसमें अटैकिंग शॉट्स खेल रही है सिवाय पाकिस्तान के ठीक है उस होता ये है कि जब आप 10 ओवर खेल जाते हैं और आपकी इंटेंट ये होता है कि अच्छा मैं किसी तरह अपना 50 कर लूं अपना 60 कर लूं उसमें आपको एक बाउंड्री मिल जाती है उसके बाद आप सिंगल कर लेते हैं अगर वो चौके वाला बॉल है फिर भी आप अगर उसको सिंगल कर रहे हैं तो फिर एंड में जो इतना प्रेशर आपके मिडिल ऑर्डर में पड़ जाता है कि वो भी इंसान है वो भी प्लेयर है तो उनसे किस तरह आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 13-13, 14-14, 12-12 की एवरेज करेंगे? आपसे पूछ रहे हैं बताइए अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि अहमद भाई वाली बात बिल्कुल ठीक है कि 6 ओवर में हमें डिफरेंट क्रिकेट खेलनी पड़ेगी जिस तरह की भी विकेट है। देखिए अगर सपोज अगर जैसे आज गयाना में मैच हुआ उसका डिफरेंट सिनेरियो था यूएसए वाले मैच का बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो अगर कहीं हमें ऐसी विकेट मिल भी जाती है लेकिन मेरे ख्याल से हमें इंटेंट नहीं कहीं भी जो है अपना रोकना चाहिए। अगर हमें अच्छी जैसे मुझे लगता है लास्ट मैच में 6 ओवरों में हमने 59 तो उसके बाद बिल्कुल हमारा इंटेंट भी गया फिर हम आउट भी हो गए तो ये वाली चीजें हमारे ख्याल से। इमाम भाई इस पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मेरे दिमाग में आया कि इंटेंट एक बड़ी खतरनाक चीज है। अगर आप खतरनाक पिच पे जिस पे आपको जरा हल्का सा संभल के खेलना इंटेंट शो कर दें तो जिस तरह पिछले मैच इंग्लैंड में हुआ कि इंटेंट शो कर दी विकेट गिर गई तो वो इंग्लैंड ने भी तो इंटेंट ही शो किया था ना और पहले 6 ओवरों में 78 स्कोर थे उनके। अब खतरनाक पिचेस नहीं आती हैं अब एंटरटेन करना है क्राउड को जहां पे भी क्रिकेट होगी वो आपको बैटिंग फ्रेंडली पिचेस देंगे क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि T20 क्रिकेट बहुत कमर्शियल हो गई है अब उनका गुजारा नहीं है बॉलिंग फ्रेंडली क्रिकेट देके। और देखिए बहुत जरूरी है कि अगर इंटेंट अब ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा नहीं कह रहा कि पागलों की तरह मारो अगर इंटेंट अगर आपको लग रहा है कि अगर हमारी पहले बॉलिंग आ गई और अगर हमने उनको 135 पे आउट कर लिया है तो आपको किसी ने नहीं कहा हम नहीं कह रहे फिर आप मारो फिर ऑब्वियसली जो सिनेरियो है उसके साथ सिचुएशन के साथ। और फिर मुझे लगता है कि हमारे जो 7 से 13 ओवर है क्योंकि सवाल जो था कि उसमें मुझे ये था कि हम क्या मुझे ऐसा लगता है 7 से जो 13 ओवर है इसमें बाउंड्रीज के ऑप्शन ज्यादा होने चाहिए प्लस एज अ बॉलिंग यूनिट हम 2-3 ओवर शुरू के बहुत अच्छे करते हैं और इसमें भी हमारे जो मिडिल ओवर्स हैं खासतौर पे जो हमारे स्पिन ने करने हैं मुझे ऐसा लगता है कि उसमें भी हमें ऑपोजिशन की ज्यादा से ज्यादा विकेट। अहमद भाई मैं आपके पास